चुनौती, तो उतनी ही बड़ी परीक्षा भी। और खरे उतरेंगे, लगातार बीजेपी ये कहती रही है जनता के बीच हम जाते रहे हैं, हमेशा बने रहेंगे, चाहे सत्ता पर रहें या विपक्ष में, लेकिन जनता से संपर्क हम अपना टूटने नहीं देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो पल आ ही गया। राज्यपाल से मिले और ये देखिए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी। पूरी फ्रंट लाइन लीडरशिप बीजेपी की आपको एक मंच पर नजर आ रही होगी इस समय। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
व्यक्ति कमजोर किया। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अभिवादन स्वीकार करते हुए विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। ऋतु, आज ये ऐतिहासिक दिन, श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विष्णुदेव साय देखिए इस वक्त ऋतु पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद वो औपचारिक हस्ताक्षर करते हुए तस्वीरें छत्तीसगढ़ के साइंस कॉलेज मैदान से, बेहद ही खास तस्वीरें ये हैं। और अब जो है डेप्यूटी सीएम ने अभी पद की शपथ ली है, अब इसके बाद भी शपथ का सिलसिला जारी रहेगा और कुछ मंत्री भी हैं जो पद की शपथ लेंगे। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, खास तस्वीरें, अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ मिलाते हुए ये तस्वीर बेहद खास, इतिहास जो है इतिहास दर्ज हो रहा है। मुख्यमंत्री तस्वीरों श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहां उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये आप सुन रहे थे विजय शर्मा को, डेप्यूटी सीएम हैं और पद की शपथ इन्होंने ली है। अरुण साफ ने इससे पहले शपथ ली और उससे पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ विष्णु देव साय ने ली। अब विष्णु राज जो है छत्तीसगढ़ में, इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब कंधों पर जिम्मेदारी जो है, बड़ी जिम्मेदारी विष्णु साय के ऊपर भी है, विजय शर्मा के ऊपर भी है, अरुण साफ के ऊपर भी है। और साफ तौर से शपथ भी खाई गई और कहा गया कि जो जिम्मेदारियां मिली हैं उनका निर्वहन हम अच्छे से करेंगे। ये तस्वीरें बेहद खास, हाथ मिलाते हुए विजय शर्मा पीएम मोदी से नजर आ रहे हैं, बेहद खास ये तस्वीरें। आज का दिन बेहद खास छत्तीसगढ़ के लिए, चूंकि आज शपथ। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये खास तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की, जिसमें दिग्गज शामिल होने के लिए पहुंचे। पहले जो है विष्णु देव साय ने शपथ ली, उसके बाद डेप्यूटी सीएम अरुण साहब ने और विजय शर्मा ने शपथ ली, अपनी पद गोपनीयता की शपथ ली। और अब जो है राष्ट्रगान की शुरुआत होने जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यक्रम का समापन हो चुका है और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कार्यक्रम का समापन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की अनुमति के साथ ऋतु ये कार्यक्रम अब समापन हो रहा है और मंच पर आप देख सकते हैं वो सभी तमाम बड़े चेहरे जो कि आज इस कार्यक्रम में आए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको, उनके साथ ही राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन नजर आ रहे हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्रियों ने पद की शपथ लिया। हालांकि जो कैबिनेट का विस्तार है या कैबिनेट का गठन है उसमें अभी समय लग सकता है ऋतु, और ये अभी इस वक्त स्पष्ट संदेश और कार्यक्रम का औपचारिक समापन हो चुका है। मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी यहां कार्यक्रम संपन्न हो गया है और प्रधानमंत्री और राज्यपाल बातचीत करते हुए कार्यक्रम के समापन के बाद यहां पर एक बार फिर देखिए मंच पर बैठने का या वहां पर रुकने का इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री सभी को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस वक्त सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता का ऋतु। ये तस्वीरें बेहद खास ही तस्वीरें और इतिहास में ये दर्ज होंगी। आज की जो तस्वीरें हैं बेहद खास, भव्य कार्यक्रम और भव्य तैयारियां आज के कार्यक्रम को लेकर के। प्रधानमंत्री भी पहुंचे, दिग्गज भी पहुंचे और कयास जो है लगाए जा रहे थे कि शायद कई मंत्रियों को आज शपथ भी दिलाई जाए, हालांकि उसे होल्ड किया गया है, उसमें समय लगेगा। पर जो है सीएम पद की शपथ विष्णु साय ने ले ली है, साथ ही साथ विजय शर्मा ने भी और अरुण साहब ने भी शपथ लिए। ये खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये मंच इसलिए भी खास ऋतु, आप देखिए तस्वीरों में अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है। निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां मंच पर बैठे हुए नजर आए और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अभी। जिस तरह से ये जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से काफी लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ा और अब चुनाव होने के बाद ये नई सरकार का गठन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय